स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ माथुरी कला, लेकर हाजिर हूं देश की बहस का सबसे बड़ा शो, देश को जवाब दो। आज पूरे देश में चर्चा, मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। तारीख 7 जुलाई मुकर्रर की गई थी, लेकिन अब इसे एक दिन आगे बढ़ाकर 8 जुलाई कर दिया गया। 5 राज्यों में आने वाले चुनाव की वजह से मोदी सरकार में इस मंत्रिमंडल के विस्तार के जरिए जाति धर्म हर वर्ग सहयोगी विरोधी सबको साधना इसमें दिखेगा। और इस पूरी सियासी नुराकुश्ती के पीछे सबसे बड़ी वजह है उत्तर प्रदेश का चुनाव, जहां मार्च 2022 तक चुनाव होने हैं। तो आज की बहस का मुद्दा भी यही कि क्या मोदी के इस परिवर्तन बयान से यूपी में योगी की दोबारा जय जयकार होगी? क्या इसी जय जयकार के लिए मोदी मंत्रिमंडल में यूपी से 4 नेताओं को मंत्री बनाने की बात चल रही है? क्या विपक्ष को धूल चटाने और सियासी समीकरण साधने के लिए पीएम मोदी ने यूपी के 4 चेहरे चुन लिए हैं? क्या मोदी की नई सेना विपक्ष पर प्रहार के लिए तैयार कर ली गई है? इसी मुद्दे पर सबसे बड़े पैनल के साथ आज करेंगे चर्चा। सवाल आप सुन लीजिए कि क्या, सीधे तौर पर पूछूं, क्या यूपी में सहयोगियों को विश्वास में लेने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार, क्या मंत्रिमंडल विस्तार से यूपी में सियासी और जातीय समीकरण साध रही है मोदी सरकार? ये इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करेंगे तो कई ऐसे फैसले हैं जो बड़े ही शॉक एलिमेंट की तरह होते हैं। हालांकि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार है, इसमें कोशिश यही होगी कि हर जाति धर्म वर्ग सहयोगी विरोधी सबको साध लिया जाए। लेकिन इस वक्त ये चर्चा क्यों है? क्योंकि सामने है 2022 का सबसे बड़ा चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर मेहमानों से मिलवाती हूं और आज करेंगे अच्छी डिबेट। यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने कैबिनेट विस्तार का फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक विस्तार 8 जुलाई को होगा, लेकिन दिल्ली में हलचल अभी से ही शुरू हो चुकी है। मंत्री बनने के लिए कुछ नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं तो कुछ को अभी भी फोन का इंतजार है। माना जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल में 17 से 22 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं, जिसमें यूपी और बिहार पर सबकी नजर है। यूपी से अभी तक किसी चेहरे पर मोहर नहीं लगी है, लेकिन कुछ नामों पर चर्चा जरूर शुरू हो गई है। वो नाम है विनोद सोनकर, यूपी का दलित चेहरा है। कौशाम्बी से सांसद हैं और सोनकर मतदाताओं पर अच्छी पकड़ है। प्रयागराज के आसपास सोनकर मतदाता कई सीटों पर जीत हार तय करते हैं। स्वतंत्र देव सिंह यूपी में पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं। अनुप्रिया पटेल बीजेपी की सहयोगी अपना दल एस से सांसद हैं। मोदी सरकार 1 में मंत्री थी, 2 में अब तक मौका नहीं मिला है। वरुण गांधी आक्रामक राजनीति के लिए जाने जाते हैं और पीलीभीत से सांसद हैं। यानी यूपी चुनाव को देखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार में पावर पॉलिटिक्स, अलायंस पॉलिटिक्स, कास्ट इक्वेशन, स्टेट रिप्रेजेंटेशन, हर चीज पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा बिहार से 4, जेडीयू के भी 2 मंत्री बन सकते हैं। हालांकि जेडीयू 4 पर अड़ी हुई है। महाराष्ट्र से 4, जिसमें नारायण राणे का भी नाम है। राजस्थान से 3 सांसद मंत्री बनाए जा सकते हैं। बंगाल से 3, निशित प्रमाणिक, शांतनु ठाकुर। मध्य प्रदेश से 2, ज्योतिरादित्य सिंधिया और राकेश सिंह। गुजरात से 2 सांसदों को मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। हरियाणा से भी 2 सांसदों को मंत्री बनाया जा सकता है। ओडिशा से 2, बैजयंत पांडा को जगह मिल सकती है। असम से सर्वानंद सोनेवाल को जगह मिल सकती है। कर्नाटक से भी 1 सांसद मंत्री बनाया जा सकता है। दिल्ली से मनोज तिवारी या मीनाक्षी लेखी मंत्री बन सकते हैं और लद्दाख से नमक ग्याल को मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि दिल्ली पहुंचने वाले सांसद अभी तक मंत्री बनने की संभावनाओं से इनकार ही कर रहे हैं। उसके बारे में आप, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं पहुँचने के बाद, मैं मुझे जानकारी मिलने के बाद मैं कहूँगा। आज जीपी नड्डा जी बुलाया क्या सर? नहीं। 5 राज्यों समेत पूरे देश के जाति और सियासी समीकरण साधते हुए मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें सबसे अहम होगा उत्तर प्रदेश। इसीलिए आज का सवाल है मोदी की परिवर्तन बयार, योगी की जयकार।
सीधे तौर पर सवाल और चर्चा इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने है और जो मोदी मंत्रिमंडल इस वक्त 53 से निकलकर यानी 50 की लाइन से निकलकर 81 तक पहुंचने वाला है, उसमें हर वर्ग को साधकर क्या सीधा जो निशाना होगा वो यूपी के इलेक्शन के लिए भी होगा। मैं तमाम मेहमानों से पहले आपको मिलवा देती हूँ। सुधेंद्र भदौरिया मेरे साथ बने हुए, बीएसपी से, बहुत बहुत स्वागत सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। इकबाल सिंह लालपुरा है, प्रवक्ता से बीजेपी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत सर। राजकुमार भाटी साहब है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, भाटी साहब बहुत दिनों बाद आए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। अभिषेक झा है, नेता है जेडीयू से, बहुत बहुत स्वागत। विनय सिंह राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ इस डिबेट में बने रहेंगे। लेकिन आप लोगों के पास आऊं उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है क्योंकि उठापटक इस दिन आज बहुत ज्यादा है। 7 तारीख कल मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, अब 8 तारीख हो चुकी है। लेकिन आप समझ लीजिए मोदी कैबिनेट के विस्तार से पहले कई नेताओं के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। आपको तस्वीरें में दिखाऊंगी कैसे इंदौर से दिल्ली पहुंच गए ज्योतिराज सिंधिया। मोदी कैबिनेट में सिंधिया को अहम जगह मिल सकती है। 3 दिन के दौरे के बाद दिल्ली लौटा हूं, ये सिंधिया ने कहा। 3 दिन के दौरे के बाद दिल्ली लौटा हूं, मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर चुप्पी साधी। नारायण राणे ने भी चुप्पी साधी थी, आपको याद होगा। नारायण राणे पहुंच चुके हैं, यही सर्बानंद सोनोवाल भी दिल्ली पहुंच गए, उनकी भी तस्वीर आई। कई सारे हैवी लगेज लेकर सोनोवाल भी पहुंचे, लेकिन जब सवाल पूछा गया तो चुप्पी साधी। इस वक्त सुनिए क्या कह रहे हैं ज्योतिराज सिंधिया। मिलने का शेड्यूल, मिलने का मैं तो वापस अभी दिल्ली आया हूँ भाई। सारे वो नेता जिनके संभावित नाम हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं और कुछ दिल्ली पहुंच चुके हैं, इसीलिए चर्चा बहुत अहम हो गई है कि क्या इनके नाम फिक्स हो गए हैं, क्या इनके पास फोन चला गया। हालांकि सबने चुप्पी साधी, वे मैं गेस्ट के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है। मैं सीधे लखनऊ से मेरे सहयोगी तुषार को जोड़ रही हूं। तुषार, क्या इस वक्त एक अहम जानकारी मिल रही है, क्या बड़ी खबर शालिनी वाराणसी से बनी हुई है तुषार मेरे साथ। तुषार आपके पास क्या बड़ी खबर है? बिल्कुल, देखिए माधुरी, इसमें सबसे बड़ी खबर है कि मोदी कैबिनेट के बाद योगी कैबिनेट में भी होगा फेरबदल। 15 जुलाई तक हो सकता है योगी कैबिनेट का विस्तार, जिसमें कई नए चेहरे को जगह मिल सकती है इस योगी कैबिनेट में। जातीय समीकरण का भी पूरे तरह से रखा जाएगा। ख्याल ये पूरी खबर है उत्तर प्रदेश से कि मोदी कैबिनेट के बाद अब योगी कैबिनेट में भी फेरबदल किया जा सकता है, इसमें भी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। काफ़ी दिनों से अटकलें लग रही थी कि कब होगा योगी मंत्रिमंडल का विस्तार, लेकिन अब जैसे ही मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसके ठीक बाद उत्तर प्रदेश में भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। तमाम जगह खाली है उत्तर प्रदेश के। योगी सरकार में कई मंत्रियों की कोरोना के दौरान मृत्यु हुई, कुछ ऐसे मृत्यु हुई उनकी जगह भी खाली हुई, उनको भरा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात बताएं कि जातीय समीकरण का विशेष तौर पर ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि कुछ ही समय बाद चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में दलितों का वोट, ओबीसी का वोट, ये बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है कि उनका वोट बीजेपी को मिले और इसी वजह से इनके वोट को साधने की कोशिश की जाएगी और इस जाति के लोगों को उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। माधुरी देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि एक तरफ 7-8 तारीख चल रही थी, शालिनी मैं आपके पास भी आ रही हूं, 8 तारीख की डेट फिक्स है, मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। हर किसी की नजर है कि क्या उत्तर प्रदेश इलेक्शन को लेकर भी समीकरण साधे जाएंगे, लेकिन जैसा तुषार अभी हमें बता रहे हैं कि 15 तारीख योगी मंत्रिमंडल में भी फेरबदल तय है, तो ये तो पूरा है कि जातीय समीकरण का ख्याल तो रखा जाएगा। बिल्कुल, और बिल्कुल, क्योंकि ये चुनावी साल है माधुरी, और ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि जातीय समीकरण के जरिए तमाम वोटर्स को साधा जाए। अच्छा, खबर ये भी है कि जितिन प्रसाद को भी मंत्री पद मिल सकता है, क्योंकि अब जबकि वो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए उस वक्त ये अटकलें लगाई जा रही थी कि भाई टाइमिंग उनकी ऐसी है, उन्हें पद दिया क्या जाएगा। लेकिन अब खबरें ये है कि चूंकि लोकसभा इलेक्शन तो होना नहीं है और उत्तर प्रदेश के कोटे से कोई भी राज्यसभा की सीट खाली नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अब उन्हें MLC का 4 पद जो कि खाली है, जो कि मनोनीत तो भले ही किया जाना है लेकिन सिफारिश तो इसमें मुख्यमंत्री की ही होती है, तो ऐसे में राज्यपाल से जब सिफारिश करनी है तो मुख्यमंत्री की तरफ से ही 4 नाम दिए जाएंगे। खबर माधुरी यही है कि जितिन प्रसाद का नाम भी इसमें शामिल रहने वाला है, और ब्राह्मण वर्ग जिसे साधने के लिए जितिन प्रसाद आए थे बीजेपी के अंदर, अब एक ब्राह्मण चेहरा उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद के जरिए मंत्री बना करके सामने रखा जाएगा। तो इस तरह से चुनावी साल होने के चलते जितने भी मंत्री पद भरे जाएंगे उनमें जातीय समीकरण का ख्याल जरूर रखा जाएगा, और जीत की पूरी संभावना रहे उन चेहरों के जरिए लोगों को लुभाया जा सके
सके, ये कोशिश जरूर होगी। माधुरी देखिए शानी और तुषार आप लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, लगातार तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। इकबाल सिंह लालपुरा साहब मैं आपको जोड़ती हूँ सबसे पहले, क्योंकि बीजेपी से आज आप ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं देखिए मोदी सरकार के काम करने का जो तरीका है सर, उसमें बहुत सारे शॉक एलिमेंट्स होते हैं, ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि अगला कदम क्या होगा, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार होना, क्या वाकई हम इस वक्त जो सोच रहे हैं वो सच है कि सचमुच उत्तर प्रदेश जैसे हैवीवेट सूबे का अगर इलेक्शन है तो उसका ख्याल रखा जाएगा, उसके लिए भरपूर तैयारी होगी उसमें? माधवी जी, हम स्पेकुलेशन में नहीं आते, आपके मीडिया के द्वारा ही हमें भी पता चला है कि ये कुछ फेर बदल की बातें चल रही हैं। मोदी जी के 81 मंत्री बन सकते हैं केंद्र सरकार में, 57 के साथ उन्होंने हलफ लिया था, सुगंध उठाई थी, उनमें से चार आदमी तो जो है वो इस्तीफा दे चुके हैं और जो या मर चुके हैं, तो ये 57 से कम होके 52% है इस समय। थावरचंद गहलोत जी गवर्नर बना के गए हैं, तो पार्टी की तरफ से सरकार स्वतंत्र है कि जो जैसे भी उनको लगता है वैसे करना चाहिए। राजकुमार भाटी साहब, मोदी कैबिनेट के मैं फॉर्मूला कैबिनेट कह रही हूं, इसको लेकर क्या आपका क्या अनुमान है? क्योंकि ये कह देना कि नहीं बिल्कुल इसका आगे आने वाले चुनावों से कोई लेना देना नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा, हो सकता है कि यूपी को आकर्षित करने के लिए कई चेहरों को शामिल किया जाए। अगर आपकी रिपोर्ट पर ही विश्वास करके चला जाए कि ये उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर कैबिनेट विस्तार हो रहा है और इसमें पिछड़ों और दलितों को साधा जाएगा, ये आपकी रिपोर्ट में बताया गया, तो ये स्पष्ट हो जाता है, प्रमाणित हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को पिछड़े और दलितों की याद केवल चुनाव के समय पे आती है। 5 साल तक तो उनका शोषण करते रहते हैं। अभी केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक की भर्ती में 5,800 ओबीसी को नौकरियों से वंचित कर दिया गया साजिशन षड्यंत्र पूर्वक, और उस पर उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी मोहर लगा दी है अपनी। भारतीय जनता पार्टी में और उत्तर प्रदेश सरकार में कोई ये कहने की हैसियत में नहीं है कि उनके साथ जो ओबीसी के साथ अन्याय हुआ है उसको उनको न्याय दिलाया जाएगा। तो इसका मतलब ये केवल इनको गुमराह करके झूठे नारे देके इन्हें दुरुपयोग करना चाहते हैं ओबीसी और एससी का, इनके प्रति इनके मन में प्यार नहीं है। दूसरी बात, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में, मैं तो माननीय मोदी जी से निवेदन करूंगा कि आपको मंत्रिमंडल में फेरबदल की जरूरत नहीं है, आपको नीतियों में और कार्यक्रमों में फेरबदल की जरूरत है। और कैबिनेट में मोदी जी की कैबिनेट में मंत्रियों की हैसियत क्या होती है? डीएम तक तो उनके फोन उठाते नहीं। पिछले दिनों आपने देखा होगा संतोष गंगवार जो केंद्रीय मंत्री है, मुख्यमंत्री के सामने डीएम को फोन मिलाते रहे, डीएम ने फोन नहीं उठाया। वीके सिंह जो हमारे गाजियाबाद से सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं, वो अपने रिश्तेदारों के लिए ऑक्सीजन के लिए गुहार लगाते रहे मुख्यमंत्री से, उन्हें ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिले। उत्तर प्रदेश से 10 मंत्री पहले से हैं, क्या कोई नाम बता सकता है उनके? उनके नाम तक नहीं जानते लोग, उनकी ये हैसियत है। को काम तो सारा मोदी जी करते हैं या उनके नौकर साहब करते हैं? आप पटेल देख लीजिए, निषाद देख लीजिए, राजभर देख लीजिए, सब चुनाव में सियासी ताकत में जातीय अस्मिता का ही तो तड़का डाल रहे हैं सर। तो ऐसा मानना मेरा क्या गलत है? सुधेंद्र भदौरिया क्या ये अनुमान गलत थोड़ी है कि अगर आप चुनाव को देखते हुए भी अगर मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं एक आकर्षण का केंद्र रखते हैं, उत्तर प्रदेश के लिए खास चेहरों को चुना जाए, तो इसमें गलत भी क्या है? क्योंकि दूसरे लोग भी तो यही कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसी को देख लीजिए, ओवैसी आए तो उन्होंने कहा हम मुसलमानों की बात करेंगे, निषाद पहले इनके साथ हो गए, राजभर कहते हैं हम अपने ओवैसी के साथ मिलकर 65% पे लड़ेंगे, फिर आप अगर वीआईपी पार्टी को देखें तो वो बाहर से आते हैं, वो कहते हैं आप लोगों ने बीएसपी ने तो कुछ किया ही नहीं, हम दलितों और पिछड़ों के लिए तो हम काम करेंगे। तो यहां तो सभी जातीय अस्मिता का ही तो तड़का लगा रहे हैं। देखिए मोदी जी ने जब ये 2014 में चुनाव लड़े तो एक बात कही थी जो पूरे देश को उस समय उन्होंने एक तरह से लुभाने की कोशिश की कि हम सबका साथ सबका विकास के नाम पर वोट मांगेंगे और हम सबका विकास करेंगे। पर अब हम ये देख रहे हैं जैसे जैसे सरकार का समय बढ़ रहा है, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, योगी जी ने भी कहा कि हम किसी भी विशेष वर्ग का या किसी विशेष समुदाय की सरकार नहीं रहेंगे, उत्तर प्रदेश की पूरी जनता की सरकार रहेंगे। पर हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही चुनाव आ रहा है
तो अब कलाबाजियां हो रही हैं, क्या सरकार की कलाबाजियां। भाई अगर आपको करना था तो लगभग एक साल से किसान बैठे हैं दिल्ली में, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, लाठियां बरसाई जा रही हैं, उनके ट्रैक्टरों को तोड़ दिया जा रहा है, उनके माथों को फोड़ दिया जा रहा है। इसी प्रकार से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के सारे नौजवान दर दर भटक रहे हैं बेरोजगारी की समस्या से, और आपका डीजल और पेट्रोल तो 100 के पार चला गया, रसोई गैस मिल नहीं रही, करे तो कि हम रसोई गैस फ्री में दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चौतरफा इस समय लोगों में निराशा का दौर बीत रहा है। अब निराशा को बदलने के लिए ये नहीं, वो कहेंगे कि निराशा को बदलने के लिए हम अपनी नई सेना तैयार कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार एक जनरलाइज्ड थिंग है, वो सब में होता है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में भी 15 जुलाई की तारीख हो गई, तो इसमें जातिगत समीकरण को ढूंढना, क्या आप सही आकलन दे पाएंगे मुझे कि जातिगत समीकरण इसमें कहीं ढूंढा जाएगा? आप जो एंकर महोदय से मैं कहना चाहूंगा कि ये उनका प्रेरोगेटिव है, प्रधानमंत्री जी का भी और मुख्यमंत्री जी का, पर उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है महंगाई खत्म हो, उत्तर प्रदेश के नौजवान चाहते हैं उनको रोजगार मिले, उत्तर प्रदेश के बुनकर चाहते हैं कि उनके जो खटियां सब ठंडी पड़ गई हैं उसमें काम हो, उत्तर प्रदेश का किसान चाहता है उनको हो। और साथ ही साथ अब जब आपने ये प्रश्न उठा ही दिया तो मैं ये भी कहना चाहूंगा, दलितों पर जिस तरह से हाथरस से लेके गोंडा तक बच्चियों का बलात्कार हुआ और इसके साथ साथ उत्पीड़न हुआ दलितों का और मजदूरों का, ये सारे के सारे मसले ऐसे हैं कि उत्तर प्रदेश और देश की सरकार घिरी हुई है, चौतरफा घिर गई है। और आने वाले पश्चिमी यूपी की जो आप जब किसान आंदोलन की बात करते हैं लालपुरा जी, पश्चिमी यूपी में एक डैमेज तो हुआ है, नुकसान का आकलन भी हो रहा है, इस मंत्रिमंडल के जरिए भी उसे मैनेज किया जाएगा क्या? देखो ना तो कोई डैमेज हुआ है, ये केवल राजनीतिक लोग हैं जो इसमें किसानों को उकसा रहे हैं, बहका रहे हैं। ना तो हम लारों की बात करते हैं ना नारों की बात करते हैं। बात स्पष्ट है कि मार्च 2020 से अब तक कोरोना के समय हम 80 करोड़ परिवार लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, टीकाकरण फ्री हो रहा है, इलाज हो रहा है, सारी दुनिया की मंडी बंद है, और भारत में पहली बार हुआ है कि किसी भी महामारी की दवाई इंजेक्शन, चाहे वो कोवैक्सीन हो चाहे वो कोविशील्ड हो, वो बन के भारत में तैयार हुआ है। नहीं तो हम 25 साल 30 साल स्मॉल पॉक्स में पीछे रहते थे। ये देश का विकास हो के दुनिया में हम दुनिया के कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में देश आगे बढ़ रहा है। ये भाई जो है अपने भाषणबाजी करके समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी का वेस्टर्न यूपी में का जो किसान है वो तो गन्ना बोता है, मेजोरिटी ऑफ जो है उनके किसान का गन्ने का काम, तो गन्ने में तो आगे से इनकम ज्यादा बढ़ी है। राजकुमार पाठी, राजकुमार पाठी, लालपुरा जी कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान गन्ना बोता है और इनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने 4 साल में 1 रुपया गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया है, 1 रुपया भी। पहली ऐसी सरकार है जिसने 1 रुपया नहीं बढ़ाया, वरना हर सरकार हर साल बढ़ाती थी। और 12,000 करोड़ रुपया अभी भी गन्ना किसानों का उत्तर प्रदेश सरकार मतलब मिलों पर बकाया है, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार भुगतान नहीं करा रही है। तो काहे की किसान हितैषी सरकार है? लालपुरा जी, गन्ने का जो आगे से उसमें इनकम भी बड़ी है, जो कोल्हू वाले थे किसान भाई आपने तो कैसे बढ़ी है, कैसे कोल्हू वाले भाई है उनसे पूछिए आप कि गुड़ का भाव क्या बना है, इस बार कितने पैसे मिले हैं किसानों को, इस बार फायदा हुआ है? नहीं, आप नहीं, जो नहीं, है पेमेंट भी हो रही है, हो जाएगी नहीं। किसान जो है वेस्टर्न यूपी का उसको उसका स्पष्ट है, अगर हम बात वहां गेहूं की करेंगे तो वहां तो गन्ना बोया जाता है, अब बात किसकी कर रहे हैं? ये जो इसका पंजाब तो पिछले 74 साल से अशांत है, क्योंकि वहां एजुकेशन करने की कोई एक संस्था है जो केवल एजुकेशन में बिलीव करती है, सरकार किसी की भी हो
सिख वर्सेस केंद्र सरकार बन जाता है और आज भी यही बनाने की कोशिश की जा रही है। उन आदमियों को पहचानना होगा, सिख भी देश प्रेमी है, देश के। ठीक है सर, ठीक है अलग अलग मुद्दों पर क्या बात होगी वो एक अलग बहस हो सकती है, लेकिन जेडीयू से मेरे साथ अभिषेक लगातार बने हुए। अभिषेक, मैं आपके पास आऊं, लेकिन इससे पहले मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है। मोदी कैबिनेट में विस्तार से पहले बीजेपी की एक बड़ी बैठक हो रही है, नड्डा के घर पर एक बड़ी बैठक हो रही है, और हितेन मेरे साथ बने हुए हैं इस पूरी खबर पर। हितेन, क्या आपके पास अपडेट है? जेपी नड्डा के घर पर बैठक चल रही है, इसकी जानकारी दीजिए। कर्नाटक के जो राज्यपाल नियुक्त किए गए थावरचंद गहलोत, बिल्कुल माधुरी, देखिए थोड़े समय पहले थावरचंद गहलोत जो है जेपी नड्डा के आवास से रवाना हुए हैं, वो अपनी प्राथमिकी सदस्यता से इस्तीफा देने पहुंचे थे। हालांकि कर्नाटक के राज्यपाल बने थे, बनाए गए, उसके बाद पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देकर वो रवाना हो चुके। अभी बैठक चल रही है बीएल संतोष और जेपी नड्डा के बीच में, जो पैच फंसा हुआ है पूरा का पूरा जेडीयू को लेकर, कि आखिरकार जेडीयू समझौता जो नहीं करने को तैयार है। चार मंत्री पद की, चार मंत्री पद चाहते हैं बिल्कुल, जिसमें दो कैबिनेट और दो एमओएस की बात की जा रही है, उसी मंत्री पद को लेकर अब जेडीयू से जो बातचीत चल रही है उसी की रिपोर्ट देने जो है बीएल संतोष पहुंचे जेपी नड्डा से। अब आगे की कमान जो है पूरी की पूरी जेपी नड्डा अपने हाथ में लेते हुए आज शाम तक या फिर कल सुबह तक जो है किसी ना किसी तरह नीतीश कुमार को या जेडीयू को जो है मनाने की खुद कोशिश करते नजर आएंगे, ताकि कैबिनेट एक्सपांशन जो परसों का समय तय किया गया है सुबह 10:30 बजे का, उसी समय पर हो, फिर एक बार एक दिन के लिए टाला ना जाए, क्योंकि एक दिन के लिए अब कल होना था लेकिन एक दिन के लिए टाला गया क्योंकि जेडीयू मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए अब कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं दर्शकों को बता देती हूं, वापस आ रही हूं, मेरे साथ अभिषेक लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, जेडीयू से हमारे साथ ही बने हुए हैं। अभिषेक, क्योंकि 16 सांसद हैं तो आप चाहते हैं कि उस हिसाब से चार हमारे मंत्री पद हमें मिले, दो पर सरकार अड़ी हुई है, आप लोग कह रहे हैं कि दो एक्स्ट्रा दे दीजिए, ये उलझी हुई सियासत में जेडीयू का आकलन क्या है? देखिए माधुरी जी, ये सारी बातें तो आपने कह दी, पता नहीं ये फीडबैक आप लोगों के पास कहां से आया है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने देखा है कि आप सिलसिलेवार ढंग से आप ऑब्जर्व कर सकती है हमारे नेता का बयान। शुरू में आदरणीय नीतीश कुमार ने बयान साफ साफ दिया था कि जो कैबिनेट एक्सपेंशन है ये टोटली प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, उनको डिसाइड करना है कब किसको कैसे शामिल करना है, नहीं करना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आरसीपी बाबू ने पहले कहा था कि चूंकि हम एनडीए के एक प्रोमिनेंट घटक दल है तो इस नाते हमारी भी हिस्सेदारी बनती है। और अभी जो बातें हैं, अभी आपने देखा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पत्रकारों से बातचीत की है पटना एयरपोर्ट पर, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि आदरणीय आरसीपी सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, वही अधिकृत हैं, वही सारी बातें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बातचीत चल रही है। लेकिन अब बातचीत के बीच में होता है, लोग नैरेटिव अपना सेट करते हैं कि इतनी सीटें हो चुकी हैं, इतनी सीटें जीती जाएंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अभी बातचीत चल रही है, बहुत जल्द मुझे लगता है कि सारी चीजें हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो निर्णय लेकर चीजों को मीडिया के सामने और लोगों के सामने रखें। ठीक है। विनय सिंह मेरे साथ लगातार बने हैं। विनय सिंह जी, सीधे मैं कहूं कि क्या मोदी मंत्रिमंडल से यूपी के चुनाव का एजेंडा दिखता है क्या? देखिए, आपने शुरू में कहा कि मोदी जी के डिसीजन में हमेशा एक शॉक एलिमेंट होता है, मैं शॉक नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा सरप्राइज एलिमेंट जरूर होता है, इसलिए सारे आकलन जो हैं वो फेल हो जाते हैं। और उन्होंने शुरू में भी कहा था कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, तो उसी पे सरकार चली थी कि एक लिमिटेड मंत्रिमंडल के साथ एक मैक्सिमम गवर्नेंस देने का प्रयास किया गया। दूसरा, देखिए जाति वाली जो बात आप कह रही हैं उससे मेरा मानना है कि लोकतंत्र है भारत और दो चीजें उसकी एसेंस है, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग जियो कल्चरल एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं, तो भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, इसी डेमोक्रेसी की पार्टी है, तो जब भी मंत्रिमंडल होता है या भी कोई डिसीजन होते हैं या कोई पॉलिसी रिफॉर्म्स की ही बात होती है या किसी प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है तो इस डाइवर्सिटी का ध्यान रखा जाता है। तो मंत्रिमंडल में भी अगर अलग अलग समाज के चेहरे आपको दिखें तो ये जातिवाद नहीं होगा, ये बल्कि ये एक विमर्श है जिसको मैं डाइवर्सिटी कहता हूँ, बाकी लोग भी डाइवर्सिटी कहते हैं, उस डाइवर्सिटी को मद्देनजर रखते हुए ऐसा किया जाता है। तीसरा, मान लीजिए कि मोदी जी अगर मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करते तो ये भी आरोप लगेगा, जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई वो विस्तार नहीं कर रहे हैं तो भी आरोप लगेगा। तो आरोप जो लगा रहे हैं वो इशू बेस्ड हो तो ठीक है,
एजेंडा बेस्ड आरोप है, इसीलिए उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते और उसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकते आप। ये एजेंडा बेस्ड आरोप है और एजेंडा बेस्ड विरोध है। नहीं करेंगे तो भी विरोध होगा, करेंगे तो भी विरोध होगा, तो विरोध से तो आप बचने वाली नहीं है। क्योंकि सियासत जो भी हो, लेकिन इस वक्त हर किसी की नजर इस पर है कि जब मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसके बाद क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे ज्यादा आकर्षण का जो एक एलिमेंट डाला जाएगा, क्या वो सचमुच सामने आएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं, तमाम लोग आप मेरे साथ बने रहिए, इसके साथ साथ बड़ी खबरें लगातार आ रही हैं इसी पूरे मुद्दे को लेकर, बने रहिए हिंदुस्तान के साथ। और इस वक्त एक अहम खबर बता दें, मोदी कैबिनेट में शामिल होने पर बोले जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह, मंत्रिमंडल में शामिल होने का फॉर्मूला तय है, अब कोई पेंच नहीं फंसा है। सुनिए क्या कह रहे हैं। कोई पेंच किसी तरह का नहीं सर, कितने लोग हैं लोग शामिल, अब वेट करो ना यार सर, ये तो आप लोग चलाते हैं ना, तो आप लोग वेट कर लीजिए, मतलब सब कुछ तय हो गया है। अरे तो इसमें कोई डाउट है क्या, आप शामिल हो रहे हैं? ये हम कैसे बता सकते हैं कि जब सरकार में होते हैं और सरकार में सम्मिलित होते हैं तो एक सद्भावना होता है, एक समझ होती है और हम लोगों को बड़ी अच्छी है। छोटा सा ब्रेक ले रही हूं, ब्रेक के बाद तमाम मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय सिंह जी, मैं वापस आ रही हूं, क्या नई कैबिनेट से सधेगा यूपी का समीकरण? यूपी में कौन सा समीकरण और क्या साधना है? अरे यूपी में तो विकास साधना था, विकास सदा है, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर साधना था, लॉ एंड ऑर्डर सदा है, तो यूपी में जो साधना था वो तो सध रहा है और उसी साधने की या उसी साधने से जो साधना से उसको साधा है। तो अभी आपको जो रिजल्ट आए हैं दो दिन पहले, तो वो आपने देखा भी है कि किस तरीके से एकदम मेजोरिटी से जीत करके लोग आए हैं। और हमको लगता है कि गवर्नेंस एक साधना है और योगी वही साधना कर रहे हैं और उसी साधने से जो जनता का हित सदा है। और क्योंकि खबर ये भी है विनय जी, खबर ये भी है कि मोदी मंत्रिमंडल में तो 8 जुलाई को हो जाएगा बदलाव, लेकिन उसके बाद 15 जुलाई को संभव है कि यूपी मंत्रिमंडल में भी, योगी मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होगा। देखिए माधुरी जी, क्या है, मैं बार बार कहूंगा कि ये सरकार जो है ये संभावनाओं से परे की सरकार है। आप कोई आकलन नहीं कर सकते इसको। अगर हो सकता है तो ठीक है, होना भी चाहिए, कुछ मंत्रिमंडल के पोस्ट खाली है, कई मंत्रियों पर एक्स्ट्रा प्रेशर है तो हो सकता है उसमें, जैसे कि अभी आरसीपी सिंह जी ने कहा, तब मैं इस बात को श्योर शॉट मान रहा हूं कि हाँ केंद्रीय मंत्रिमंडल का बदलाव होने वाला है। और आप ये जो आकलन लग रहा था कि भाई जेडीयू 4 पे अड़ी है, 5 पे अड़ी है, आरसीपी सिंह जी ने कहा कि नहीं, कुछ कोई बात ही नहीं है, मतलब कि सब कुछ क्लियर है, मंत्रिमंडल के विस्तार में भाई जेडीयू और बीजेपी के बीच में कोई पेच ही नहीं फंसा है, ठीक है, सारी चीजें क्लियर है। तो अब तो इस बात पे विश्वास कोई कर सकता है आरसीपी सिंह जी के बयान के बाद कि हाँ मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, नहीं तो आप आकलन नहीं कर सकते। आकलन देखिए क्या है कि जब आप उत्तर प्रदेश में मुद्दों पर बात करेंगे या मुद्दों से परे होकर जब भी आप इसकी बात करेंगे कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इलेक्शन को असर डाल सकते हैं, आपको याद होगा कि जब भी मुद्दों की बात होती है तो एक बड़ी फौज मोदी सरकार उतारेगी अपनी, वहां पर योगी सरकार भी उतारेगी, बड़े बड़े मंत्रियों को भेजा जाता है। इसीलिए क्या जब अपने मुद्दों को समझाने की बारी आएगी तो क्या उसमें उत्तर प्रदेश का ख्याल रखा जाएगा? लालपुरा जी, देखो ये मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है, वो जो भी चाहे उनके करने के लिए आजाद है। पार्टी जो है किसी के ऊपर, सरकार अपनी अलग से चलती है, पार्टी अलग से चलती है, तो योगी जी स्वतंत्र हैं, जो फैसला उनको लेना है। रिजल्ट उन्होंने मेरे से पहले बोल रहे थे, बता रहे थे कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर में किस तरह का इम्प्रूवमेंट हुई है, डेवलपमेंट हुई है, जिन मुद्दों के लेके सरकार बनी थी वो सारे मुद्दे हल हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में मोदी योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनको पूरी स्वतंत्रता है, वो जो चाहे करें, किसी को लेना है साथ ले, किसी को
दूसरा डिपार्टमेंट चेंज करना है, किसी को कम वजन देना है, ये उनका अपनी मर्जी है, उनका अपना प्रायोरिटी। राजकुमार भाटी साहब, मैंने इसलिए पहले बीजेपी से पूछा क्योंकि उनका अपना एक ओपिनियन हो सकता है कि भाई वो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, वो जो सोचा है कैबिनेट में फेरबदल करें। लेकिन मुझे बताइए सर, क्या सचमुच ऐसा होता है कि जब आप मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात करें, योगी मंत्रिमंडल की बात कर रही हूं, या फिर आप विस्तार की बात करें, उससे चुनाव का एजेंडा भी जुड़ा होता है कहीं ना कहीं? नहीं, देखिए माधुरी जी, घुमा फिरा के तो कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि राजनीतिक पार्टियों का पूरा फोकस जो है चुनाव पर ही होता है, चुनाव जीतना ही लक्ष्य होता है, उसी उसी को दृष्टिगत रखते हुए सारी नीतियां बनाई जाती हैं, कार्यक्रम बनाए जाते हैं ताकि जनता हमें वोट दे और हम दोबारा चुनाव में जीत पाए। लेकिन जो अभी अभी हमारे दोनों साथी कह रहे थे, विनय सिंह जी भी बड़े अभिभूत लग रहे हैं योगी जी से और मोदी जी से, और वो तो लालपुरा जी तो प्रवक्ता है ही बीजेपी के, क्या आप सबने पूरे देश ने नहीं देखा कि केंद्र से मोदी जी ने एक शर्मा जी को भेजा था, कहीं ने उप मुख्यमंत्री बनाई और योगी जी ने मना कर दिया, फिर कहा कि चलो उप मुख्यमंत्री नहीं बना दे तो मंत्री बना दीजिए, उन्होंने मंत्री बनाने से मना कर दिया, अब उनको संगठन में कोई उपाध्यक्ष वगैरह की जिम्मेदारी दी गई है, और फिर एक टीम भी भेजी गई, एक लिफाफा भी भेजा गया, गवर्नर को लिफाफा भी दिया गया, योगी जी ने धौंस दे दी कि अगर मेरे खिलाफ कार्रवाई करोगे तो मैं अलग पार्टी बना के खड़ा हो जाऊंगा और तुम्हारी उत्तर प्रदेश में जमानत जब्त करवा दूंगा। क्या ये सारा खेल सारे देश ने नहीं देखा क्या? तो ये जो कह रहे हैं कि नहीं बहुत एकता है और बहुत उससे निर्णय लेते हैं, बड़ी गर्मा उनकी है और ये सब है, ये सब जो है उसमें जो कहते हैं नी रायता फैला हुआ है, रायता फैला हुआ है बीजेपी का, और आपस में बहुत मतभेद हैं, और यहाँ जातियों की पार्टी बन गई है ये भारतीय जनता पार्टी, यहाँ ये दबाव बनाया जा रहा है कि एक ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री, एक ओबीसी उप मुख्यमंत्री, एक एससी उप मुख्यमंत्री होना चाहिए, और अब भागवत जी ने जो बयान दिया है अल्पसंख्यक समुदाय को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं, 4 साल तक तो गाली देंगे, 4.5 साल तक तो गाली देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अर्जी मुकदमे दर्ज करेंगे, यूएपीए लगाएंगे, जेलों में सड़ाएंगे, और जब चुनाव नजदीक आ जाएंगे तो सबके भले बन जाएंगे। जनता की याददाश्त इतनी कमजोर भी नहीं होती है, जनता इस तरह मूर्ख नहीं बनेगी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, विकास का तो कोई काम हो ही नहीं रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, अपराध इतने बढ़ गए हैं, कई गुने अपराध बढ़ गए हैं उत्तर प्रदेश में, FIR तक नहीं लिखी जाती है, लड़कियां आत्महत्या कर रही है FIR में लिखने पर, छेड़छाड़ की शिकायत थाने में नहीं ली जाती है, वो घर जाके आग लगा लेती हैं, फांसी लगा लेती हैं, लालपुरा जी जहर खा लेती हैं। लालपुरा जी, क्योंकि मुख्य विपक्ष है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, इसलिए सारे आरोप लगा रहे हैं, कटाक्ष तो आपके पास होगा, काउंटर तो आपके पास होगा। इन इनको जितना अच्छा अमन कानून की स्थिति हुआ है, कहीं है नहीं, अंसारी जी को भाग के जो कांग्रेस की मदद से रोपड़ की जेल में रहना पड़ता है, देख जो बदमाश हैं, जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, वो प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं, और वहां जितने इंसाफ हो रहा है और कहीं हो नहीं रहा, ये कहां के सपने हैं कि लिफाफा भेज दिया, वो लिफाफा हमें दिखाइए, हमें अच्छा लगेगा, जो आपने ख्याली पुलाव बनाया है उसको बता दीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा, हम भी जो मुगेरी लाल के हमें नहीं पता, मीडिया ने बताया था, हमें उनसे बता सके, अरे मीडिया ने बताया था कि लिखा गया, अरे आप अच्छी बात कर रहे हो, मैं समझता हूँ सपने तो लेते हैं तो, लेकिन ये है आपके सपने कहीं चकना चूर हो जाए, सच नहीं है, सच पे आधारित बात कीजिए, अच्छा रहे। सपना किसका ये तो दिखेगा, लेकिन यूपी में चुनाव तो कैबिनेट में बदलाव, ये सवाल इसलिए है सुदीन भदौरिया साहब, ये जो यूपी की सियासत जिस तरफ जा रही है, मैं फिर बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप देखिए पटेल, राजभर, निषाद सब अपनी अपनी पार्टी, अपनी अपनी वोट बैंक को साधने की बात कर रहे हैं, उसमें ये मंत्रिमंडल क्या कोई संकेत दे रहा है? मैंने देखिए शुरू में ही कहा, उत्तर प्रदेश जहाँ 20 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या रहती हो और जहाँ इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी हो, किसान परेशान हो, और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 2014 से हम लगातार दे रहे हैं, देख रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, फिर हम काला धन वापस लाएंगे, हम 15-15 लाख रुपया हर एक के खाते में पहुंचाएंगे, और जब इनसे पूछा जाता है सरकार बनने के बाद तो ये कहते हैं कि वो तो जुमलेबाजी थी। तो अब ये सरकार में मंत्रिमंडल के फेर बदल से कलाबाजियां कर सकते हैं, जुमलेबाजी कर सकते हैं नीतियों की, पर मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, जो
आपने देखा स्वयं नदियों में जो लाशें बह रही थी, पूरे उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से होते हुए बनारस के मुगल सराय से गंगा के किनारे 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 बहती हुए गई, इसी तरह से जमुना की बहती हुए गई, इसी तरह से चंबल से बहते हुए गई, इसी तरह से गोमती घाघरा सारी नदियों में ये हाल देखा। इसी प्रकार से जो बेरोजगार नौजवान थे वो सब बहुत निराश हैं, वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसा शासन आए जैसा कि बहन मायावती जी ने 2007 से 12 के बीच में दिया और तीन बार पर जहां दंगे नहीं होते थे। आप बताइए क्या एक दंगा हुआ जब वो मुख्यमंत्री थी, या फिर जब वो मुख्यमंत्री थी तो किसानों को समय पर दाम मिलता था, अगर मिल मालिक एक हफ्ते अगर पैसा नहीं दे आप क्या पर्ची पकड़ा देते हैं, पर्ची को क्या करें, वो उसको ओढ़े कि बिछाएं कि खाएं क्या, वो उनको चाहिए पैसे, उनके यहाँ शादी है, उनके बच्चों की फीस नहीं है, उनको खाद खरीदनी है, उनको डीजल खरीदना है, कुछ उपलब्ध नहीं है। एक पर्ची पकड़ा दी जाती है, वो पर्ची लेके 10-12 हजार करोड़ रुपए किसानों का बाकी है और किसानों को कर्ज से कई बार आत्महत्या करनी पड़ रही है। तो इस प्रकार की जो कलाबाजियां हैं ये सरकार के, चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, कलाबाजियां तो कर सकते हैं और इनके नाम पर कुछ लोग फायदा भी उठा सकते हैं कि भाई हम नुमाइंदगी कर रहे हैं। नुमाइंदगी करो समाज की, नुमाइंदगी करो किसानों की, नुमाइंदगी करो बेरोजगार नौजवानों की, और वो जो महिलाएं हैं बच्चियां जिनका बलात्कार हुआ उनके सवालों को भी तो उठाओ, कानून व्यवस्था भी तो लाओ, वो कुछ होगा नहीं। केवल लफबाजी से देश और प्रदेश चलने वाला नहीं है। क्या इस मंत्रिमंडल से सहयोगियों में विश्वास बढ़ाने को लेकर भी तो विस्तार माना जा सकता है, क्योंकि यूपी में भी तो इतने सारे सहयोगी हैं कि किसी भी वोट बैंक के लिए किसी को भी नाराज ना किया जाए। विनय सिंह जी देखिए, अभी भाटी जी ने कहा और सुधीन जी ने कहा कि वहां लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। मतलब ये कोई कह सकता है क्या कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर पे काम नहीं हुआ है? मैं तो कुछ वर्ष पूर्व का याद करता हूं कि कोई चेन स्नैच करके भागा, फिर किसी ने दौड़ाया पीछा किया तो उसने गोली मार दी। बाद में मालूम चलता है कि चेन स्नेचर जो है खास जाति का है और उस पर कार्रवाई इसलिए नहीं होती रही, वो दुर्दांत है एरिए का, क्योंकि SHO जो है वो उसी जाति के हैं और SP साहब भी उसी जाति के हैं और सरकार में भी वही रहा। मैं कहता हूं कि ये जो जाति के गुंडों को जो प्रश्रय दिया जाता था, एक खास जाति के गुंडों को सारे सरकारों में प्रश्न रहता। बहन मायावती जी का मैं बताता हूँ, निश्चित रूप से उनकी सरकार में ये कहा जाता था कि कार्रवाई हुई थी गुंडों पे, लेकिन बहन मायावती ही तो थी कि मुख्तार अंसारी को कहा कि गरीबों का मसीहा, मुख्तार अंसारी के बारे में राय रखने वाली बहन मायावती ही तो थी। तो आपका नजरिया अगर किसी वोट बैंक के कारण, किसी किसी समाज का मतलब कि किसी वोट बैंक के नाते अगर आप किसी अपराधी को सर्टिफिकेट देने लगते हैं कि भाई ये गरीबों का मसीहा है, तो ये तो एक गलत प्रेसिडेंट था ना भदौरिया जी। तो ये इस सरकार में नहीं है। आप किसी जाति के, किसी बिरादरी के, किसी धर्म संप्रदाय के अगर आप गुंडे हैं तो इनसे ये भी पूछिए, लॉ एंड ऑर्डर आपका टेक केयर करेगा। आपने मुझसे प्रश्न किया तो उत्तर भी ले लीजिए। जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी, दर्जनों जो उनके विधायक चाहे वो बलात्कार में हो चाहे वो भ्रष्टाचार में, उनकी सरकार में उनको ही जेल भेजा गया। जब वो मुख्यमंत्री थी तो उनके एक सांसद जो आजमगढ़ से थे उनको बुलाकर पुलिस के SP द्वारा गिरफ्तार करा के जिले तक भेजा गया। तो बहन मायावती जी ने ये भी इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत किए कि वो कानून व्यवस्था को एक वरीयता देती थी और इसीलिए आयरन लेडी की खिताब उनको मिला। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता, आज भी चले जाइए और मैं चाहूंगा एंकर महोदय कि आप एक सर्वेक्षण कराइए और पूछ लीजिए आम जनता से कि कानून व्यवस्था के मामले में कौन सर्वोपरि था। अगर बहन मायावती जी के सबसे ऊपर नंबर ना हो तो आप मुझसे कह सकती हैं। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए TV की डिबेट में कहना आसान है कि हम इसलिए कर रहे हैं कि हम सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, पर ये ऐसी कोशिश है जो कलाबाजी है। GDP 23-23 मतलब आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं भदौरिया जी कि पिछली सरकारें लॉ एंड ऑर्डर में सब ठीक थी, इस सरकार में काम नहीं हुआ। लेकिन मैं उससे ऊपर कुछ पूछ रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या सचमुच विनय सिंह साहब, भाटी साहब मैं वापस आपके पास भी आऊँ, लेकिन इससे पहले विनय सिंह मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है इससे
कोई विश्वास जीतने की कोशिश होगी किसी, क्योंकि हर नुमाइंदे को आप सेटिस्फाइड करें ऐसा ही चुनाव के पहले एक चौरस बिछाया जाता है, उसमें कोई गलत नहीं है। इस मंत्रिमंडल में भी क्या वैसी ही गुणागणित को बिठाया जाएगा? माधुरी जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर सरकार अपना मंत्रिमंडल का विस्तार कर रही है तो इस पे आपत्ति या इसकी आलोचना कैसे हो सकती है? इस पे तो आलोचना हो नहीं सकती। दूसरा कि सुधीन जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि मायावती जी ने क्या क्या किया। सुधीन जी, आपको याद होगा मायावती जी ने रैली में कहा था कि ये गरीबों के मसीहा हैं मुख्तार अंसारी जी महाराज, और आपका मुख्तार अंसारी के बारे में क्या राय है? वही राय होगी जो आपके नेता की थी। और मैं तो कहता हूं कि आप मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को भी इस तरीके से गरीबों का मसीहा एकदम बता देते हैं, क्योंकि वो एक खास जाति से है, मतलब खास धर्म से है, और आपको उस धर्म का वोट साधना है। इसलिए ये लॉ एंड ऑर्डर के बारे में तो आप ना बताएं सुधीन भाई साहब। देखिए, चार जो चेहरे हैं यूपी से जिनको जगह मिल सकती है उसमें विनोद सोनकर का नाम है, क्योंकि वो भी एक दलित चेहरा है। आप स्वतंत्र देव सिंह का नाम सामने आ रहा है जो खुद अध्यक्ष भी हैं बीजेपी यूपी से और पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। अनुप्रिया पटेल का नाम आ रहा है, आपको याद होगा कि वो पहले 1.0 में भी वो मंत्री थी लेकिन दूसरे में अभी तक उनको चांस नहीं मिला, हो सकता अभी चांस मिल जाए। और चौथे वरुण गांधी का नाम भी है जिनकी छवि काफी आक्रामक मानी जाती है हिंदुत्व के एजेंडे पर भी, और बीच से वो सांसद भी हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपको तमाम मेहमानों को शुक्रिया कहूंगी, और फिर आपको बता दूं कि जिस मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं हो रही हैं वो इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि अभी जो 2022 का इलेक्शन है उस पे इसका कैसे असर पड़ेगा, क्योंकि 2022 के इलेक्शन में इतना बड़ा सूबा और इतने बड़े सूबे में अगर इलेक्शन हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसको आकर्षित करने के लिए इस मंत्रिमंडल में किसी खास ख्याल को ना रखा जाए, क्योंकि आगे तैयारी 2024 की भी होगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।